नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी देवी सिंह। मैं इस समय आगरा में हूं, अवंती बाई चौराहे के निकट एनजी रोड पर। G20 समिट इन आगरा के अंतर्गत 20 देशों का प्रतिनिधिमंडल 10 फरवरी को आगरा में आ चुका है और आगरा में इन विदेशी मेहमानों का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है और शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इनका इस अंदाज में भी स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये चौराहों के पास में इस तरह से ये फूल लगा दिए गए हैं पुष्प स्वागत के लिए, जिस पर आप देख सकते हैं G20 लिखा हुआ है पुष्पों के द्वारा। ये आप देख सकते हैं प्रत्येक चौराहे पर इसी प्रकार से इनका स्वागत किया गया है और इनका स्वागत बच्चों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया गया है और विदेशी मेहमानों के ऊपर पुष्प वर्षा जगह जगह की गई है। ये आप देख सकते हैं ये अवंती बाई चौराहा है, यहाँ पर ये देखिए मूर्ति लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और आगे के दृश्य दिखाता हूँ विदेशी मेहमानों के स्वागत में जिस प्रकार से तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। तो चलते हैं आगे और दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये माल रोड है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के इस तरह के चित्र लगा दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। और ये भी रोड आप देख सकते हैं कितना सुंदर, बहुत ही साफ सफाई और बड़ा, कहीं पे भी रोड पे कहीं गड्ढे नजर नहीं आएंगे, बहुत ही सुंदर बना दिया गया है रोड, ये आप देख सकते हैं। ये माल रोड का दृश्य है जो शिल्पग्राम के लिए जाता है। साथियों, G20 समिट इन आगरा के अंतर्गत ये देखें आप, इस तरह के आयोजन भी जगह जगह चल रहे हैं। ये देखिए माल रोड पर ही पोस्ट ऑफिस, प्रधान कार्यालय पोस्ट ऑफिस के निकट ये इस तरह का कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो कुछ जानकारी देंगे भाई है? इसके बारे में आप देंगे कुछ जानकारी? क्या कुछ जानकारी देंगे? ये जो लगाया है आपने इस तरह का, ये कहाँ पर? ये सामने वो अंदर ये कुर्सी है। मैडम
ये प्रधान डाकघर है, इसी कैंपस में ये आयोजन हो रहा है। तो मैं यहाँ के प्रभारी से आपकी बातचीत कराता हूँ। सर नमस्कार। सर अभी बुलवा रहे हैं सर को, बड़े सर को। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं YouTube चैनल द रियल लाइफ से हूँ, मेरा नाम है देवी सिंह। तो मैं सर आपसे आपका परिचय जानते हुए और ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आगे आपने जो स्टॉल बनाई हुई है, तो इसका जनता को क्या लाभ मिलेगा इससे, और आपका इससे क्या उद्देश्य है जो स्टॉल लगाई है आपने? मैं नरेंद्र कुमार, सहायक अधीक्षक डाकघर जी जी, केंद्रीय उपमंडल आगरा के पद पर तैनात जी। और आज यहाँ हमारे सीनियर पोस्ट मास्टर श्री कुमोद कांत अवस्थी की मार्गदर्शन में जी हम लोग के एक कैंप लगा रहे हैं जी। और उस कैंप का के आयोजन के लिए जी विभिन्न क्षेत्रों से कन्याएं बुलाई गई हैं जी, उनकी मदर बैठी हुई हैं, उनकी अच्छा। मदर हैं और इनके हम सुनहरे भविष्य के लिए, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जी हम सुकन्या समृद्धि खातों को खोलने का एक ड्राइव चला रहे हैं जी। वो सुकन्या समृद्धि के खातों में के माध्यम से ये बेटियां, इनका भविष्य बहुत सुरक्षित रहेगा। अच्छा। और बेटियों के लिए तो उससे क्या लाभ मिलेगा उनको? ये लाभ मिलेगा सब, किसी भी डिपॉजिट के मामले में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसी में है। अच्छा, कितनी इंटरेस्ट है इसमें? 8.220 है। अच्छा, ये अभी थोड़ा कम हो गई है, 7.6 है इस समय। और इसमें जो है बच्चियों का 0 से 10 साल की उम्र तक खाता खोला जाता है जी। और उस 10 साल, 0 से 10 साल के अंदर खाता खुल जाएगा जी, 14 साल खाता चलता है। और उसकी उनकी 21 वर्ष की अवधि के पश्चात जी परिपक्वता राशि का उनको भुगतान हो जाता है। अच्छा, अच्छा। अगर आवश्यकता हो जी तो उनकी हायर एजुकेशन के लिए 18 साल की होने पर जी या जो वो इंटर के समय में वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इस पर 50% इसका लोन ले सकती हैं। अच्छा। तो इनके मतलब पढ़ाई के लिए और इनकी शादी के लिए बहुत गार्जियंस को परेशानी हाँ होने पड़ेगा, हमारी बेटियों हाँ का लाभ मिल जाए, सहूलियत मिल जाएगी, सहूलियत मिलेगी, हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके लिए इस कैंपेन का आयोजन किया गया। भारत सरकार की स्कीम है जी साहब, ये भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री। अच्छा, बेटियों की कोई एज लिमिट होती है? हाँ, उम्र इसमें 0 से लेकर 10 वर्ष तक की उम्र होती है। इस उम्र में अच्छा हाँ इस उम्र में खाता खोल सकते हैं। और जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं खोल सकते? नहीं नहीं, 10 साल के बाद नहीं खोल सकते। अच्छा अच्छा, आप जरा इधर हो, आप सर आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं के अवस्थी, सीनियर पोस्ट मास्टर आगरा प्रधान डाकघर हूँ जी जी। तो आप यहाँ पर इस जो ये आपने स्कीम ये चालू है अपनी इस तरह की, तो इसमें आपका क्या योगदान है? ये जो हमारा है आज जो हम कैंप कर रहे हैं जी, ये सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक तरीके का हमारा जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं आप? प्रोत्साहित कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये G20 समिट इन आगरा उसी के अधीन चल रहा है ये कार्यक्रम? G20 से लिंक है क्योंकि अच्छा। वहाँ पे जो महिला सशक्तिकरण का जो चल रहा है जी, तो महिला सशक्तिकरण के ही उसको रूप में हम इसको देख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें कन्याओं का जो है हम लोग आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं हाँ। उनके लिए विशेष खाता है, मतलब महिला सशक्तिकरण का भी एक पार्ट है ये जी जी। जब हमारे हाँ। देश की जो गर्ल चाइल्ड हैं, जब वो सशक्त होंगी तो महिलाएं आगे चल के हमारी महिलाएं भी सशक्त होंगी जी जी। और अधिक ब्याज दर है इसमें। अच्छा। और 250 रुपये से खाता खुल जाता है जी। और 21 वर्ष की जब होती है, मतलब 21 वर्ष जब इसके कंप्लीट होते हैं खाते के, तो वो जो लड़की होती है शादी की उम्र हो जाती है, वो अपना उसको प्राप्त कर सकती है। तो जब वो आर्थिक रूप से संबल उसको प्राप्त होगा तो वो आगे अपना मनचाहा काम भी कर सकती है, स्वतंत्रता मिलेगी उसको। हायर एजुकेशन के लिए 18 साल की उम्र में इसका 50% तक इसका विड्रॉल भी हो सकता है, तो उसके शिक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी खाता है। अच्छा।
और साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदा ये है कि इसमें जो पैसा जमा करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक को 80 सी में आयकर में छूट। तो सर ये अभियान कब तक चलेगा आपका, इसका कब तक लिमिट है इसकी, ये जो कार्यक्रम चल रहा है आपका? देखिए वैसे खाता खुलवाने की जो समय सीमा है कुछ? देखिए हमारे डाकघर में ये खाते निरंतर खुलते रहते हैं। अच्छा, इसकी कोई सीमा नहीं है जी। कभी भी कोई कस्टमर आए उसका खाता खुलेगा। ये जो है कैंपिंग का उद्देश्य ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करना जी, और कितने हम अधिक से अधिक लोगों को उनके बीच में पहुंच के उनको लाभ दे सकते हैं, इसका उद्देश्य ये है हमारा जी। तो अभी हमारा आज और कल तो हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं जी, जी। दो दिन तो हम विशेष कैंप यहाँ आयोजित कर रहे हैं आज और कल, मतलब 12 तारीख को भी। यस, 12 तारीख को भी कैंप रहेगा। तो साथियों मेरा ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हों उनसे ये निवेदन है हमारा कि महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में आप पोस्ट ऑफिस जा करके बच्चों का खाता खुलवा सकते हैं महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत, जिससे आपको लाभ ही मिलेगा, बच्चों के हित में है ये, इस तरह का जो भारत सरकार का ये जो कार्यक्रम है। तो कल तक कैंप लगा हुआ है, हेड पोस्ट ऑफिस में कैंप लग रहा है और भी कहीं कैंप लगा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में जितने पोस्ट ऑफिस हैं। अच्छा, जैसे कहीं कहीं ग्रामीण जो गांववासी होते हैं जी जी, वहाँ हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं छोटे छोटे। हाँ हाँ, तो वहाँ BPM से आप संपर्क करेंगे वहाँ खुल जाएगा। अच्छा, जैसे कोई वहाँ से यहाँ चलकर नहीं आ सकता जी जी, किराया और समय खर्च होगा। हाँ, तो वहीं सेवा ले सकते हैं गाँव में। अच्छा अच्छा, तो आप कहीं भी खाता खुलवा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी खुलवा सकते हैं और यहाँ भी खुलवा सकते हैं, सिटी में हेड पोस्ट पोस्ट ऑफिस में कैंप लगा हुआ है भारत सरकार की अच्छी स्कीमों में से है ये। तो साथियों आपको हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।